रहमतुल्लाहि वबरकातुहू आप सबको और रहमान फूर से मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा रहमत के साए में रखें। आज रहमान फूड्स में बन रहे बहुत ही मज़ेदार बट कढ़ाई। आइए झटपट से मज़ेदार सी बट कढ़ाई तैयार करते हैं। जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। आइए मज़ेदार सी बटों की मशहूर बट कढ़ाई तैयार करते हैं। व्यूवर्स, मज़ेदार सी बट कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए एक अदद प्रेशर कुकर। इसमें हम शामिल करेंगे हाफ कप पानी। जी व्यूवर्स, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। जी व्यूवर्स, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 700 ग्राम चिकन। जी व्यूवर्स, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 6 टमाटोज, यानी कि 6 महीने टमाटर लिए हैं और इनका छिलका रिमूव कर दिया और अंदर से सीड्स भी रिमूव कर दिए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का जूस, 1 अदद दरमियाने साइज़ की चॉप की हुई प्याज। इन तमाम चीज़ों को हम अब कुक करेंगे। जी व्यूवर्स, इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून नमक भी डालेंगे और अब कुकर को हम ढकना लगा देंगे और विसल बजने के बाद सिर्फ 5 मिनट तक इसको सिर्फ कुक करेंगे। जी व्यूवर्स, विसल जो है वो जो बजना शुरू हो गया, सिर्फ हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे कुक करना है, उसके बाद हम ये ढकना इसका खोल देंगे। जी व्यूवर्स, बट कढ़ाई का ख़ास मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1 पाव दही। दही को आपने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुटा हुआ भुना हुआ धनिया, ये 1.5 टेबलस्पून है। ज़ीरा 1 टीस्पून है भुना हुआ कुटा हुआ। कुटी हुई काली मिर्च, आपने पिसा हुआ पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, कुटी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करनी है। और कढ़ाई कोश मसाला इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा। जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा। सुर्ख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा। और नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे और इन तमाम मसालों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है और जो हमारा बट कढ़ाई मसाला है वो अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। जी व्यूवर्स, बट कढ़ाई को तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1 अदद कढ़ाई और जो हमारा मसाला जो तैयार हो गया है कुकर में, अब हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूवर्स, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 6 से 7 अदद होल, यानी कि साबित जो मिर्च है ना रेड कलर की, ये शामिल करेंगे और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें लबाई में कट किया हुआ अदरक शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतनी प्यारी खुशबू अभी से आ रही है ना कि बस इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। व्यूअर्स, इस कंडीशन में आके हम इसके अंदर ऐड करेंगे मक्खन। जी व्यूअर्स, मक्खन की हम इसमें 1/2 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अपने चिकन को भून लेंगे। जी व्यूअर्स, मक्खन के साथ अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम ये बट कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे और फ्लेम को आपने थोड़ा स्लो कर लेना है ताकि जो दही है वो फट ना जाए। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार बट कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने दही के साथ इसकी बहुत अच्छे तरीके से बनाई थी और आप देखेंगे कि जैसे ही मक्खन ऊपर आना शुरू हो गया पिघलने के बाद और ये बिल्कुल तैयार हो गई। ये देखें इस तरीके से ऊपर आ जाएगा और ये माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन अगेन, ताकि इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लज्जत और ज़ायके के लिए। और साथ ही में मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया चॉप किया हुआ, थोड़े से स्लाइस कट किए हुए लेमन के, थोड़ा सा अदरक इसमें शामिल करेंगे और साथ ही में हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। आइए मज़ेदार सी बटों की पसंदीदा बट कढ़ाई को डिश आउट करते हैं। मज़ेदार, इतने मज़े की बट कढ़ाई तैयार हो गई है झटपट से। आप भी इसी तरीके से इसी मेथड से अपने घर में मज़ेदार सी बट कढ़ाई बनाएं और मज़ा कीजिए।
अल्लाह ताला आप सबको आफियत वाली ज़िंदगी अता करें, दोनों जहाँ के ढेरों खुशियाँ अता करें। अल्लाह ताला आप सब पे अपना ख़ास करम करें। मुझे भी हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी बहुत ही आसान और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर पाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।